तो सबका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जम्मू देखने का। आई फील लाइक कि लोगों को वो एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपका क्या क्या पर्सपेक्टिव रहा जम्मू का। मैंने मैयत पे बजाया। तुम रॉक ऑन मूवी देखते हो? स्टार्टअप विद वेरी नॉमिनल अमाउंट, 3,000-4,000 रुपए। क्या कर रहा था 2010 में? बड़ा था, बड़ा था, 400-500 रुपए 10 प्लेट मोमो। बहुत सारी स्टोरीज हैं जम्मू में, बहुत कुछ है। और आई फील लाइक जब ये आर्ट का भी डाइवर्सिटी आने लगेगा ना, फिर हमारा सीन भी स्ट्रेंथन होगा। डोगरी टोटे बजी जिन्नी भी आंदी है मैं बोली लेना डोगरी, गफे भी आते हैं। मैं चूड़ा चेक सोचा था मैं कल दी गे गल जड़े आई ही तू अख दी ही कन्ने मेरे चल लई चल की तू की मैं जूठे नहीं हो कोई डर ए पर चल तू सामने ले फिर दिखी की नहीं सोनी लगती तू की मेरे दुनिया। तो राहुल जब आपने शुरू किया था बिकॉज जम्मू कम्स इन अ वेरी यू नो कंजर्वेटिव माइंडसेट, तो आर्टिस्टिक करियर्स कन्वेंशनल नहीं माने जाते हैं आप। सो व्हेन यू स्टार्टेड वाज इट हार्ड टू लाइक फाइंड द सीन, गेट इनटू इट एंड क्रिएट अ मार्केट अराउंड यू? You know, that's funny. हमें लगता है कि अगर सीन नहीं है तो you don't feel like doing anything. Reverse था, I thought कि अगर कुछ नहीं है तो I'll be the first one. I'll do it. मैं सीन क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे नाम बनाऊंगा। एंड वो भूख भी होती है ना कि यार टू गेन रिकॉग्निशन। और मतलब सीन मुश्किल था बट यू नो जिस स्केल पे हमारा लेवल भी था ना उस हिसाब से सीन ठीक था। अगर दिल्ली जैसा सीन होता ना आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज़्यादा वहाँ पे आई थिंक इंटेंस था कि आपको वो स्लैक नहीं मिलता ग्रो करने का। यहाँ पे बहुत स्लैक था, यहाँ पे आई कुड टेक इट इजी एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट जम्मू आल्सो कि इट्स अ वेरी चिल प्लेस, वेरी लाइक गिव्स यू टाइम टू यू नो एक्सप्लोर थिंग्स आल्सो। व्हाट पुट यू इन दिस पाथ? म्यूजिक का सफर, आई थिंक आई गॉट एक्सपोजर टू इंग्लिश म्यूजिक बैक इन 2001-2, जब मेरी मासी कैसेट्स लेके आती थी, वो बूट लेग कैसेट्स होती थी, वेंगा बॉयज कितनी घुमाई है, माइकल जैक्सन आगे पीछे करने के लिए, राइट वो चक्कर पेंसिल घुमा के वो एक्सपेरिमेंट करके, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू इंग्लिश म्यूजिक। इंग्लिश म्यूजिक में कुछ डिफरेंट सुनाई दिया। व्हेन आई वाज इन स्कूल असेंबली टाइम पे सो देयर वाज दिस गाय साहिल तपलू, ही वाज प्लेइंग गिटार विद द स्कूल बैंड और पहली बार सब लोग गिटार देख रहे हैं लाइव, मी इंक्लूडेड, और वी वर ब्लोन अवे। आई बॉट दिस गिब्सन की गिटार एफ कट वाला, नेचुरली मेरे को बड़ा मन करता बजाने का। आई यूज टू यू नो जस्ट कीप ऑन प्लेइंग फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, गिटार मेरे हाथ में होती थी। तो वो बंदी जैसे बना ली थी गिटार। तो यानी पहली गर्लफ्रेंड गिटार देख रहा हूँ, बंदी मेरे हाथ में। पहली क्या अभी भी है, बाकी सबकी स्वतंत्र गिटार। अब मॉर्निंग साउंड निकालता रही भाई, गिटार के साथ रिलेशनशिप थोड़ी गहरी हो चुकी है। सारे ख्याल डोगरी में ही आते हैं या हिंदी में आते हैं? यार साइन लैंग्वेजेस में आते हैं मेरे को, थैंक साइंस। नहीं, दिमाग में डोगरी चल रही होती है हिंदी, डिपेंड कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। आप सपने डोगरी में आते हैं हिंदी में आते हैं, ये सवाल पूछोगे तो क्या जवाब दूंगा? यू डू डोगरी म्यूजिक, लाइक यू आप इन्फ्यूज करते हो डोगरी म्यूजिक को इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ, तो ये हाउ डिड यू लाइक रीच टू दैट पॉइंट? आई वॉज वर्किंग विद दिस वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट कॉल्ड वासु दीक्षित, ही इज फ्रॉम बैंगलोर। मैंने एक तारे थोड़ा पहिया का कवर किया था, तारे थोड़ा पहिया people know it's a very popular folk song, dogri folk song. तो मैंने record किया था छोटा सा cover, तो वो कहते हैं यार ये language तो बड़ी अच्छी है, तू इसमें क्यों नहीं गाने करता? तब मुझे strike किया यार जैसे पाकिस्तानी artists भी कर रहे, शमून इस्माइल एंड ऑल, ये पंजाबी में कर रहे थे with modern R&B. मैंने कहा यार why not give it a try, dogri में try करते हैं। I'll start off simple, इतना मुझे लिखना नहीं आता था dogri में। I tried simple कुछ बना, I ended up writing मखीर। उससे पहले अजदा फिरता लिखा था बट मखीर मेरा पहला स्टार्ट था एंड आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। और गाना ड्रॉप हुआ, पीपल लाइक डेट, जितनी भी ऑडियंस मिली है, आई डोंट रियली केयर कि लाखों की ऑडियंस मिले हजारों की मिले, यार कोई भी बंदा अगर रिलेट कर रहा है आपके लाइफ, मतलब उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लेके आ रहा है, कुछ इफेक्ट लेके आ रहा है, तो यू सर्व योर पर्पस। बाकी एक बार आप सॉन्ग रिलीज कर देते हो ना एज एन आर्टिस्ट, इट्स आउट ऑफ योर हैंड्स। आपको जब आपका पहला गिग ऑफर हुआ, व्हेन यू मेड लाइक रियल मनी आउट ऑफ इट, फर्स्टली हाउ मच मनी डिड यू मेक फ्रॉम इट? सेकंडली
What was the experience? Like, pehli gig mili, although it would be a very big thing for an artist. Like, pehla kaam mila. So, how was it? Like, I got a paid gig very early, in 10th itself. 10th standard mein mera band tha, Super Solitude. Yeah, Super Solitude. Shout out Super Solitude. Pranav Bhaiya, Akif Bhaiya, Sandeep Bhaiya. So, we started off with very nominal amount. 3,000-4,000 rupees. क्या कर रहा था 2010 में बड़ा था बड़ा था प्रभाव 400-500 रुपए 10 प्लेट मोमो मोमो का हिसाब तो अभी भी चल रहा है मोमो का हिसाब बड़ी देर से चल रहा है मोमो करेंसी बन चुकी है भाई क्या करना सेलिब्रेशन चलो मोमो खाने चलते हैं मेरे में सबसे पहली बार मुझे भी जब काम मिला था मेरे को एक रॉक बैंड ने हार्ड रॉक कैफे में बुलाया था शूट करने के लिए हाँ. मैं दो कैमरे लेके गया था एक अकेला बंदा शूट करने के लिए हाँ. मेरे को उन्होंने दिए 2,500 रुपए और मैं इतना खुश हो गया था भाई फिर मैंने शूट भी अच्छा नहीं किया था तो मैंने कहा 1,500 दे दो वी डिड एक न्यू ईयर्स वाली गिग एट विवंता ताज इन 2011 में श्रीनगर गए थे दैट फॉर दैट गिग वी गॉट पेड अ लॉट नहीं नहीं हमने ना उनको पता क्या बोला था हमने बोला था एक काम करो आप हमें इतना एक्स अमाउंट दे दो कहते नहीं बहुत ज्यादा है मैंने कहा फिर एक काम करो आप हमारा रहना सहना खाना पीना पूरा करो हमारा पेट्रोल करो और थोड़ा पैसा भी दे दो कहते हाँ ये ठीक है फिर हमने भरपाई ज्यादा कर ली हम 3-4 लोग की जगह 10 लोग रह रहे हैं और पता है जो उस टाइम पे था ना कि amount you can you know generate from this career it wasn't sustainable ab ka time ab ka daur aisa aa gaya ki you can make a living out of it it's a very good time to be in music in any creative field because people have that kya bolte hain paying capacity also so I think avenues bade sare create ho chuke hain it's a very exciting time to be in music so I've seen things you know improve from then so it's very hopeful also so jin logon ko lag bhi raha hoga na abhi ki they're stuck or they're not reaching anywhere trust the process trust in yourself for time ke baad aap hi paisa kamana shuru kar doge I think it's just like we have to give time yes, yeah wo ek downtime hota hai usi mein aap like you go and explore yourself like what you can do jisme patience nahi hai na wo ye game nahi khel sakta गेम ही बोलूंगा ट्रू द मेजर गेम है वो पेशेंस की वजह है एंड लाइक इट्स मोस्ट अबाउट स्टिकिंग अलोंग विद इट हम इसको ना कॉर्पोरेट वाले एनालॉजी देने लगते हैं कि यार ये बंदा 21 साल का कमाने शुरू हो गया भाई इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू मेहनत नहीं कर रहा यार तू भी तो मेहनत कर रहा है तू भी इतना टाइम डाल रहा है इसमें तू बस पेशेंस रख तू भी उतना पैसा कमाएगा मे बी मोर आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट लाइफ और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है कुछ लोगों के लिए वो भी अच्छी है कुछ लोगों के लिए वो सही नहीं है तो वहां पे भी मैंने जाके देखा वहां पे जिस तरह का लाइफस्टाइल है डिड नॉट यू नो सिट वेल विद मी मे बी आई वाज़न्ट गुड एट इट आई डिड वर्क या आई डिड आई हैव वर्क्ड इन टू कंपनीज एक बार बायजूस 3 महीना तीन अच्छा एक और कंपनी थी उल्लू 9 मंथ्स उल्लू वो जो नॉट उल्लू ब्रो जिसको भी बता दो सबके मुंह पे स्माइल अरे वाह आप ही थे जो वीडियोस कहते आप शूट भी करते हो मैंने कहा नहीं नहीं शूट वो करते हैं मैं म्यूजिक बजाता हूँ वो लोग सीन में लगे हैं मैं म्यूजिक बजाता हूँ व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट मतलब क्या ऐसा फीलिंग था जो आपको मतलब ये चीज बोला कि फुल टाइम मेरे को मतलब म्यूजिक ही करना है मेरा चीज नहीं है मेरे टाइम की क्योंकि ये चीज सेम फीलिंग मेरे को भी आ चुकी है मेरे टाइम पे ऑफ कोर्स मेरा ऐसा नहीं था कि कॉर्पोरेट करके मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुई है मुझे फुल टाइम म्यूजिक करके फ्रस्ट्रेशन हुई मैंने कहा जॉब लेते हैं तो मैं आई ज्वाइन बायजूस एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर इन 2019 2-3 महीने में ऐसा लगा यार मेरे पास खुद का टाइम नहीं बच रहा मेरा ऑफिस शुरू होता सुबह 7 बजे यार सुबह बच्चे जा रहे हैं स्कूल में उनके मम्मी पापा खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ साथ में फोटो के लिए बैठ गया यार द हेल इज हैपनिंग आई वाज अ प्रोग्राम एसोसिएट ओवर देयर तो कॉर्पोरेट के बारे में सीखा आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एक्चुअली लर्नड व्हाट आई डू नॉट वांट टू डू तो दैट इज कॉर्पोरेट तो आई डिस्टेंस माय सेल्फ फ्रॉम दैट बट पता है इट इज आल्सो वेरी नेसेसरी एक्सपीरियंस आप देखो ना हाउ द अदर हाफ इज लिविंग आपको वो भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है अगर फ्रीलांस जीते रहोगे और कॉर्पोरेट आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो यू डोंट हैव दैट पर्सपेक्टिव आल्सो राइट यार किसी को नहीं पता कि कल आपका आपकी जर्नी कहाँ आपको लेके जाने वाली है ठीक है दैट इज आल्सो फन दैट इज आल्सो फन दैट इज वेरी थ्रिलिंग जस्ट लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ लाइफ इज एक्साइटिंग यार अभी क्या फ्राइडे है भाई फोन करूंगा किसी को कहते भाई मीटिंग है स्टैंड अप है और हम क्या कर रहे हैं हम टांडा जा रहे हैं जम्बू जू चलते हैं इसके बाद भाई फ्राइडे सुबह सुबह तो जम्बू जू गए जम्बू जू में गया नहीं हूँ लिजू का मुझे पता है कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है यार पिंजरे में किसी को रख रहे हो आप जानवर बेचारे को मासूम बेजुबान जानवर आई एग्री विद दैट
भाई जू वाले सेक्शन जाके इतना बुरा लगा ना इनको देखे, और पता है यू कैन सी थ्रू देयर आईज एनिमल्स की ना, बिकॉज़ देन उनकी एनर्जी सब दे है ना, एनर्जी गई है नेचुरली, आप फील करोगे भाई कितने उदास है। सही बात, तो भाई जू भाई यू कैन सी इट इन द आईज बड़ी देर तक मेरे को घर से सपोर्ट लेना पड़ा मॉनेटरली एंड ऑल्सो आई यूज टू यू नो आस्क मॉम फॉर मनी एंड शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, और यू नो पेरेंट्स ऐसे मिलते नहीं है, बड़े पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इनको इच्छा होगी ये होगी होगी, एंड इट इज नेचुरल टू फील दैट वे ऑल्सो, यार कहाँ बच्चा जाएगा अकेले बैंगलोर जा रहा है काम कर रहा है। शी वॉज वेरी ट्रस्टिंग, और मेरी मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि अगर मेरी मम्मी ट्रस्ट कर रही है तो आई हैव टू गिव हर बैक समहाउ, ठीक है। तो बड़े बेयर मिनिमम में आई यूज टू यू नो अपना पूरा महीना चलाता था, अब बैंगलोर में 15,000 पूरे महीना चलाना इंक्लूडिंग रेंट मुश्किल भाई। आई यूज टू मेक इट वर्क ऑल्सो, 8,000 रेंट में दे दिया, खाने वाने में थोड़ा सा लग गया। आई यूज टू मैं फकीरों की तरह जीता था, फकड़ों की तरह जीता था, मुझे बड़ा मजा आता था। वहाँ पे ब्रेकफास्ट सस्ता, लंच सस्ता, डिनर सस्ता, बिरयानी 50 रुपये की, कुछ चक्कर ही नहीं था, तो वो टाइम भी अच्छा है। और जब आप गरीब हालत में घूमते हो ना, वो टाइम आपका सबसे मेमोरेबल, सबसे इंजॉयबल होता है। गुड़गांव में एक साल मस्त तनख्वाह के साथ जियाओ, मेमोरीज बड़ी कम है। बैंगलोर की एक एक मेमोरी याद है जब कम रुपये में। यार मैं बताता हूँ एक फनी चीज, मैंने मैयत पे बजाया मैंने मैयत पे बजाया हुआ है, किसी की मैयत थी बैंगलोर क्लब में 2,000 रुपये के लिए, आई नीडेड मनी, और गिटार बजाई किस पे, वो कौन सा गाना था जाने वाले नहीं, वो कौन सा था जगजीत सिंह का था यार, रघुपति राघव राजा राम, अच्छा यार RIP, but, गिटार के साथ ये सब बजाना पड़ा यार, करना पड़ा, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, तुम रॉक ऑन मूवी देखते हो कुछ थोड़ा सा जम्मू एंड लोकल जम्मू इन्फ्लुएंसेस के बारे में थोड़ा बताओ। मैं नहीं कर रहा हूँ अखनूर ब्लूज, ये लाइक अखनूर ब्लूज लवली ट्रैक, तो क्या बहुत प्यारा लगा यार उसके लिए, थैंक यू सो मच यार अखनूर ब्लूज ना, और उसका सॉरी वीडियो की म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो शाउट आउट टू द गाय अरुण 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 शर्मा, अरुण भाई शाउट आउट, हां अरुण इन कैमरा उसका है, प्लीज टेक आउट फॉर मीट अस। मैं टांग करता हूं, वो है आपका बॉम्बेयाल चौकी दोनों का, तो हम दोनों की लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अखनूर, क्योंकि हमेशा ही कॉमन जंक्चर आता था, कभी भी गाँव जाना है कुछ भी करना है, तो एक बड़ा ही यू नो बड़ा मेमोरेबल सीनरी रहती है अखनूर, पहुंचते हो महावीर स्वीट से हॉट डॉग मिलता है ये वो, तो मेरे को बड़ी देर से अपना गांव दिखाने का, अपना अखनूर दिखाने का, अखनूर देखो टाउन है और मेरा गांव है टांगर जो कि 20 किलोमीटर आगे, तो मेरे दिखाने का बड़ा मन करता था। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा अगर मेरा डोगरी इन्फ्लुएंस है या मेरा जम्मू इन्फ्लुएंस है, तो मैं बहुत डोगरी म्यूज़िक भी सुनता था, मैं बहुत ज़्यादा पाकि भी सुनता था, मैंने इतना नहीं सुना और मेरे को डोगरी भी इतनी नहीं आती जितना आनी चाहिए, बट इन्फ्लुएंस तो है ये बड़ा, तो मैं इधर ही हूँ डोगरी टोटी बजी, जिन्नी भी आती है मैं बोली लेना डोगरी यार चंगी बली आंदी है, गफे भी आते हैं शुरुआत गफे से होती है, ते माया चूंडा इट्स माऊ दा चूंडा, इट्स माऊ दा चूंडा, मतलब क्रिएटिव गाली की माऊ का हेयर बन है ना, मैं आपको पी लेना था माऊ दा चूंडा, ये रहा वो स्पॉट, ये पहुंच गए हम लोग यहां। हाँ तो अखनूर यू नो बड़ी देर से मेरे को ना गांव अखनूर दिखाने का मन था किसी वीडियो में, एंड बहुत ही कम ऐसे गाने होंगे जिसमें ये दिखा सकता था, और अखनूर ब्लूज नेचुरली ऐसा गाना बना जो कि बड़ा ही फोक्सी, बड़ा ही रस्टिक सा साउंडिंग, बड़ा ही यू नो रॉ साउंडिंग था, और मुझे लगा इसमें ना वो इमेज ने बड़ी अच्छी सेट करी है, और अरुण का बड़ा ज़्यादा इसमें ना इनपुट्स रहे हैं, उसका भी खुद ये पैशनेट प्रोजेक्ट था कि वो यहीं पे काम करता है, अरुण यहीं पे जम्मू में ही काम करता है, तो वहाँ पे हमने शूट किया, मैंने गांव दिखाया, मेरे पापा का मेमोरियल मैंने दिखाया, अपना गांव वाला घर दिखाया, घर तो जब मैं दिखाया आसपास का एरिया दिखाया, अखनूर दिखाया, चिड़ी मेला दिखाया, चिड़ी मेला था, मेले की शॉट तो बहुत अच्छी थी, वन दैट ऑन द जायंट व्हील बहुत ही सही था यार। पता क्या सीन है कि हमें पता है कि मुझे आर्टिस्ट का भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि जम्मू जब हम दिखाना चाहते हैं हम सब लोग एक ही नजरिए से दिखाना लगते हैं, दाल चोल अम्बल कलाड़ी कुलचे, यार सबका जम्मू का एसोसिएशन अलग है, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जम्मू के साथ, बट इट्स अ डिफरेंट एसोसिएशन, जैसे मैं अखनूर का है फॉम्बे वाली जाके वहाँ पे एलिफेंट ग्रास है वहाँ से घूमना ये सब करना,
तो सबका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जम्मू देखने का. आई फील लाइक कि लोगों को वो एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपका क्या क्या पर्सपेक्टिव रहा जम्मू का. ये नहीं कि राजमा चोल कि राजमा कुल चाहिए कि आपका, आप भी जम्मू में बड़े हुए हो, आपकी कौन सी जगह हैं जो आपको पसंद है, क्या क्या बातें पसंद है आपको जम्मू के बारे में. डोंट बी स्टीरियोटाइपिकल यार, एक्सप्लोर कर, क्योंकि यहाँ पे भी इतना कुछ आपके पास है ना बताने का. देयर सो मेनी स्टोरीज. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज. अखनूर ब्लूज इज वन ऑफ द स्टोरीज दैट आई वांटेड टू शेयर. इसके बाद कई स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जम्मू में, बहुत कुछ है. और आई फील लाइक जब ये आर्ट का भी डाइवर्सिटी आने लगेगा ना, फिर हमारा सीन भी स्ट्रेंथन होगा. अभी लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट वन टाइप ऑफ थिंग, इट्स वेरी वेरी एग्जॉस्टिव. इट्स नॉट एग्जॉस्टिव. यहाँ कहानियाँ आती रहेंगी, कहानी चलती रहेंगी एंड आर्ट भी बनती रहेगी. तो पीपल शुड एक्सप्लोर दैट. धीरे धीरे इट्स कमिंग बैक. धीरे धीरे यू विल हियर मोर स्टोरीज, यू विल सी मोर मूवीज, यू विल सी हियर मोर सॉन्ग्स आउट ऑफ जम्मू विच आर मोर यू नो इन टच. बाहर दुनिया देखी है वो अब प्रोफेशनलिज्म अगर जम्मू लेके आओगे थिंग्स विल गेट लॉट बेटर. सीन चेंज करने का भाई. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. फुल ऑन ऑन. चलते चलचो. चलचो.